राजमहल के अंदर से राजकुमारी और उसकी दासी बाहर आ रही हो, ऐसा हम एनिमेशन बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें जाना होगा क्रोमाटून्स ऐप में और यहाँ पर हमें ऐसे कार्टून कैरेक्टर लेने हैं और इसके ऊपर जो प्लस का आइकन है उस पर हमें क्लिक करना है और हमें वॉक को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर दोस्तों हम कैरेक्टर के आई कॉपी इस तरह से कर देंगे, सामने की ओर देख रहा हो ऐसा। तो इस तरह से हम आई बॉल को भी सेट कर सकते हैं। फिर हमें बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में जाना है और ग्रीन बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और फिर हमें इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है रिकॉर्ड पर क्लिक करके। और फिर हमें जाना है काइन मास्टर में और ऐसा मैंने एक बैकग्राउंड ले लिया है और इसकी साइज़ मैंने कम रखी है। और फिर हम जाएंगे लेयर में और वहाँ से हमें जाना होगा मीडिया में और जो हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी उसको यहाँ पर लेकर आना है और इसको क्रॉप करके क्रोमा की में जाकर इसको एनेबल कर देना है। दोस्तों कार्टून की साइज़ हमें कम रखनी होगी तो इस तरह से हम इसको छोटा कर देंगे और यहाँ पर सेट कर देंगे। कार्टून कैरेक्टर की जो लेयर है उसको हम बीच में से कट कर देंगे तो इस तरह से हमें बना देना है। और इसके लेयर का जो पहला पार्ट है उस पर हमें क्लिक करना है और फिर हमें की फ्रेम पर क्लिक करना है, की फ्रेम ऐड कर देंगे, इसको थोड़ा सा आगे लेंगे, इस तरह से हमें कर देना है। और फिर हम प्ले करेंगे तो कुछ ऐसा एनिमेशन होगा। तो दोस्तों अब हमें जाना होगा बैकग्राउंड इरेजर ऐप में और ऐसा एक बैकग्राउंड लेना होगा और फिर इसका जो गेट है उसको हमें इरेज कर देना होगा। तो दोस्तों हमें इस तरह से महल के दरवाजे को इरेज कर देना है और फिर इसको हमें सेव कर देना है इस तरह से। और फिर हमें जाना है काइन मास्टर में और इसको हमें यहाँ पर लेयर में जाकर मीडिया में जाकर लेकर आना है और यहाँ पर हमें इसकी साइज बड़ी करके अच्छे से सेट कर देना होगा। इसकी साइज तो बड़ी ही रखनी होगी। तो इस तरह से हमें सेट कर देना है। अब हम प्ले करके देखते हैं कैसा एनिमेशन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कैरेक्टर नीचे की ओर जा रहा हो ऐसा दिख रहा है तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर ले लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे। अब फिर से हम प्ले करके देखेंगे तो इस तरह से एनिमेशन हो रहा है। तो अब हमें दूसरी वाले लेयर पर क्लिक करना है और थ्री डॉट पर जाकर इसको आगे कर देंगे तो इस तरह से आगे आ जाएगा। और फिर हमें इसकी साइज़ कम करके जो पहले हमने कैरेक्टर रखा था उसी जगह पर रख देना है और इस तरह से हम आगे पीछे करके देख भी लेंगे कि कैरेक्टर सही जगह पर सेट हुआ है या नहीं। तो इस तरह से हम इसको सही जगह पर सेट कर देंगे। अब सही से सेट हो चुका है तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, की फ्रेम पर क्लिक करेंगे, इसको हम आगे लेंगे और इसकी साइज भी बड़ी कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर सेट कर देना है। अब हम प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से एनिमेशन होगा। तो इसको हम सेव कर देंगे और इसमें हम सैनिक भी ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम आ चुके हैं यूकोट ऐप में और उस वीडियो को यहाँ पर ले लिया है और पीआईपी पर हम क्लिक करेंगे और गैलरी में जाकर ऐसा एक
ग्रीन स्क्रीन में सैनिक का कार्टून लेकर आएंगे और फिर हम इसको क्रॉप करके इसका ग्रीन बैकग्राउंड हटा देंगे इस तरह से, और फिर हम इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं या फिर हम इस जगह पर भी सेट कर सकते हैं। तो अलग अलग जगहों पर हम बहुत सारे सैनिक यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। तो अलग अलग जगह पर हम इसको कॉपी करके सेट कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम एक सैनिक सेट कर देंगे, इसकी फेस की साइड चेंज कर देंगे और यहाँ पर हम सेट कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें।